सर बताइए, जिस तरह से आपने आज कुछ वो इतनी बड़ी सक्सेस जो है प्रेस इंडियन एयरपोर्ट कॉन्फ्रेंस में एक्सपोर्ट्स को आपने, मिली देखो है। एनटीए जेएनके के लिए आज ये बहुत बड़ी सक्सेस है। हमारे पास एक रिलायबल सोर्स इन्फॉर्मेशन थी कि एक मिनी टैंकर जिसका नंबर है UP-16DT-1460 जो श्रीनगर से पंजाब की तरफ जा रहा था, कि इसमें कोई पापिर स्ट्रा लाइक सब्सटेंस कंसील किया हुआ है, जिसके लिए हमने पुलिस स्टेशन ANTF जम्मू में FIR रजिस्टर किया। FIR नंबर 13/2023 अंडर सेक्शन 8/15 NDPS एक्ट। उसके बाद हमारे ANTF पुलिस स्टेशन जम्मू की टीम ने इसको इंटरसेप्ट किया है नियर एनवायरमेंटल पार्क ऑन सिद्रा नरवार नेशनल हाईवे। ड्यूरिंग सर्च इसमें 4 से 5 क्विंटल पापिस्ट्रा लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ है, और इसका ड्राइवर है जिसका नाम है ड्राइवर जगजीत सिंह सना बलवीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ संगलवा फिलोज पंजाब, जिसको हमने अप्रिहेंड कर लिया है। और मौके पे अभी हमारी जो टीम है इसने कार्रवाई की है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। और सर जिस तरह से ये जहाँ तक ऑपरेशन के लिए हमें ज़रा मेहनत करनी पड़ती है कि जब तक उसकी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है तो उसके बाद ही हमारा सक्सेस का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास पुख्ता रहती है। सर कितना माल पकड़ा गया है इसे? इसमें 4 से 5 क्विंटल है पाकिस्तान लाइक सब्सटेंस। सर इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो कितनी मार्केट वैल्यू है अब इसकी? उस पर अभी हम कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, इसमें वो एक्सपर्ट का काम है। तो अब तक कितना कार्रवाई कर चुके हैं इस जिस तरह से ये नशे का? मोस्टली कमर्शियल क्वांटिटी के एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करता है। 2023 में अभी तक हमारे 16 एफआईआर रजिस्टर हो चुके हैं पुलिस स्टेशन ANTF जम्मू और पुलिस स्टेशन ANTF कश्मीर में टोटल। ये कुछ केसेस पहले भी इन्वॉल्वमेंट है चलेगा कि कितनी इन्वॉल्वमेंट है। मोस्टली हमें आगे फॉरवर्ड लिंक पे भी देखना है ये कहाँ जा रही थी, बैकवर्ड कहाँ से आया है, और इसमें क्योंकि ये बिग कंसाइनमेंट है 4 to 5 क्विंटल, तो इन स्मगलर्स ने अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेज की होगी तो हम अगर वो प्रूव करेंगे तो उसको भी कन्फिस्केट करेंगे। इतनी भारी मात्रा में ये लेके आना, आपको लगता है कहीं ना कहीं जहाँ पे रास्ते में कुछ ना कुछ मिली भगत रही होगी तभी इतना बड़ा माल लेके जाना ये संभव हो सका? नहीं, वैसा तो जितनी भी एजेंसीज इन काम कर रही हैं अपना ऐसा नहीं है, बट ये हर एक एजेंसी काम करती है, तो अल्टीमेटली जब नहीं इन्फॉर्मेशन इतनी भारी मात्रा में लाना ये भी तो एक सवाल है ना। भाई ये बिग कंसाइनमेंट है, ये इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। ये इतना बड़ा कंसाइनमेंट हमारा अगर यूथ यूज़ करता है तो हमारा यूथ तबाह हो रहा है, तो हमें इस पर मेहनत करनी है। ऐसे कंसाइनमेंट हम अगर पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट करेगी तो हम और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी हम।